welcome to the Excel English Academy. Now, and today we will read present perfect tense. After present indefinite tense, it means simple present tense and present continuous tense. Present perfect tense. हम लोग देखेंगे कि present perfect tense आखिर होता क्या है. हम लोग present perfect tense कहाँ use करेंगे, कब use करेंगे, इसका definition क्या होगा. जैसे कोई आपसे पूछ देगा कि what is present perfect tense, बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने भी देखा है, study किया है और पूछता भी हूँ कि बच्चे what is he knows everything about the tense, but when we ask what is the definition of simple present tense, they give failed to give the answer. That's why I want that you should know the definition of present perfect tense. Okay. तो सबसे पहले जान ले क्या बोलते किसको है. Present perfect tense उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई काम शुरू हुआ दो दिन पहले, चार दिन पहले. एक चीज ध्यान रहे कि simple present tense और present perfect tense में थोड़ा सा अंतर है. Simple present tense में जो काम अभी हुआ है, I eat, मैंने खाया, बस थोड़ा सा समय. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा टाइमिंग गैप रहता है. जो कुछ दिन पहले शुरू हुआ ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क, दैट हैज बीन स्टार्टेड सम टाइम एगो एंड स्टिल एट प्रेजेंट टाइम इट हैज बीन कंप्लीटेड, बट इट्स एक्शन इज स्टिल फेल्ड, बीइंग फेल्ड बाय अस. ऐसा कार्य व्यापार जो शुरू हुआ कुछ समय पहले, कुछ देर चला और खत्म हो गया और उसका असर आज भी है. जैसे आई हैव टेकन माई लंच, हमने अपना खाना खा लिया. लेकिन इसका ये मतलब होगा कि हमने खाना खा लिया मतलब अब हमसे कोई पूछेगा कि खाना खाइएगा, बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो वर्क हो चुका है उसी का असर है और हमारा पेट फुल है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखते हैं मिठाई है या अच्छी चीज है, वो डबल खा लेते हैं. उन लोगों की बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे वैसा कार्य व्यापार जो पहले शुरू हुआ और कुछ देर पहले खत्म हुआ है लेकिन उसका असर इफेक्ट अभी भी है. तो वैसे सेंटेंस वाक्य और वैसे टेंस फॉर्म जो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब देखें द टेंस विच डील्स विद द एक्शन और वर्क विच हैज बीन स्टार्टेड सम टाइम एगो एंड कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट इज बीइंग फेल्ड और एक्सपीरियंस बाय अस. वैसा टेंस जो कोई सी कार्य व्यापार के साथ डील करता हो, जो पहले शुरू हुआ कुछ देर चला और कंप्लीट हो गया और उसका असर एंड इट्स इफेक्ट इज बीइंग फेल्ड और
पास और हम लोग उसका असर अभी भी करते हैं उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब अब मुझे खाने की जरूरत। आई हैव सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल देख लिया है अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल। हमने ताज महल देखा है। मैं ताज महल देख चुका हूँ। ये इसी का असर कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ और देखने की जरूरत है। क्या करेंगे देखकर? कुछ आदमी होते हैं जो घूमने के लिए चले जाते हैं, घूमने का बहाना चाहिए, लेकिन जब मैं देख चुका हूँ तो फिर देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं। तो खा चुका हूं इसका मतलब खाने की जरूरत नहीं है। मैं खाना खा चुका हूं और खाने जरूरत नहीं है। हम हर जगह देख रहे हैं कि ऐसा कार्य पर खाना खाने का काम हो चुका है, अब उसका असर यह है कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, पेट फूल है। यही चीज अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। हम लोग देखेंगे कि अगर क्रिया भर के बाद चुका, चुके, चुकी के बाद है, हूं, हो अगर लगा हो, ऐसे सेंटेंस को हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं खा चुका हूँ, एक एग्जाम्पल दो, मैं सो चुका हूँ, मैं और जग चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, जो भी चुका चुके लगा रहेगा जनरली हम लोग वही जानते हैं प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पहचानते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर लिखे हैं अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेथडी प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेथडी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेथडी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेथडी प्लस ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एच पॉजिटिव डब्ल्यू एच पॉजिटिव डब्ल्यू एच वर्ड्स डब्ल्यू हु वेयर व्हाई व्हेन वेयर हाउ दिस आर कॉल्ड डब्ल्यू एच वर्ड्स has had plus subject plus negative plus object wh negative negative matlab not laga dena sentence wh has had plus subject plus not plus negative plus object isme hum log dekhenge ki note karenge ki yahan par agar aap maan lijiye has had ke baad agar not aap lagana chahte hain to ye not ko yahan le aayenge jaise dekh lijiye thoda sa has hum log hasn't likhenge fit या haven't लिखेंगे haven't plus subject plus V3 plus object हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगर not को अगर यहां नहीं लगाएंगे तो यहां भी लगा सकते हैं सिमिलरली आप इसमें भी चाहेंगे तो ये यहां लगा सकते हैं उस तरह से फिर आप देखेंगे और इसमें भी आप इसमें सॉरी इसमें तो ठीक है अब हम लोग कुछ नोट्स देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका हैज हैव का यूज कहाँ करेंगे हैव का यूज कहाँ करेंगे हैज नॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना क्यों जरूरी है ये सब हम लोग अभी देखेंगे बस थोड़ा सा हम लोग नोट करके देखते हैं थोड़ा सा नोट वन में हम लोग हैज या हैव प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जो स्टैंडर्ड होता है वैसे गलत नहीं होगा हैज जेंट या हैवंट हम दोनों में से कोई लिख सकते हैं सेकेंड जो नोट है वो है हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा हैज हम लोग उसके साथ लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कैसे जैसे हमने लिखा था आई हैव टेकन माय लंच I have taken my lunch. अब देखिए ये पहला फॉर्म है हम लोग इसका बाकी पांच फॉर्म लिख कर देख लेंगे I have not. इसको haven't भी लिख सकते हैं हम लोग एक साथ I have not taken my lunch. थर्ड फॉर्म हैव आई टेकन माय लंच हैव आई टेकन माय लंच उसके बाद हैव जो यही चीज हम आपको बता रहे थे अगर ये हम नॉट लगाएंगे आई हैव नॉट हम इसको दो तरीका से लगा सकते हैं हैवंट आई टेकन My lunch. या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Have I not
taken my lunch. क्वेश्चन मार्क ये दोनों एक ही है. Have not, यहाँ पर हम लोग नॉट लगाते हैं, जनरल फॉर्म जो सीखे हैं आप चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं. WH, when had I, when had I taken my lunch, when have I taken my lunch, और इसी का नेगेटिव when have I not taken my lunch. क्वेश्चन ये था पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, ये था चौथा, ये था पांचवा, ये था छठा. उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी. और आपको इसको याद रखना है तो कोशिश करिए या कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा और आप ये एग्जांपल को जैसे सिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, मिनिमम 20 इंटू सिक्स 120 सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपको टोटली ये मेमोराइज हो जाएगा. और उम्मीद है कि आप लोग करेंगे. ओके फ्रेंड्स, स्टे एट होम एंड स्टे free and make India COVID-19 free. And if you have any type of problem, then please write me in comment box and ask me anything without any hesitations. And hope you will like, subscribe and share my channel and make my channel reach up to 1000 subscribers so that I can teach you life every day. Thank you. Have a nice day.